हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, मैं किचन के डोर में लैमिनेट लगा रहा हूँ, जिसको सलमाइका भी बोला जाता है और डेकोलियम भी बोला जाता है। सलमाइका के बीच सेंटर में मैंने फेविकोल इस्तेमाल किया है और साइड में स्प्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्प्रे काफ़ी एसआर से अच्छा यूज़फुल है, इसीलिए स्प्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्प्रे कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फेविकोल कंपनी का स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी अन्य कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा प्रोडक्ट दिखता हो। और साथ ही साथ में मैं एक बात बताते जाऊँ, स्प्रे को किस तरह से लगाना चाहिए, लैमिनेट में यानी सनमाइका में और प्लाई के अंदर, दोनों को सेम ही इस्तेमाल करना और कम मात्रा में इस्तेमाल करना। कुछ कारीगर होते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं, जो बाद में निकल जाता है, निकलने का चांस भी होता है। तो मेरे आप मतलब सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप कम ही मात्रा में इस्तेमाल करें, उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, वो निकलता नहीं है और लॉन्ग टाइम तक भी चलता है। और साथ ही साथ जो भी भाई नए हैं चैनल में, वो सब्सक्राइब कर देना, और आखिर तक देखने के बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर जो भाई पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका वीडियो दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें मैंने किचन ट्रॉली को फिट किया है चैनल के साथ में, चैनल को किस तरह से लगाया और किस तरह से फिटिंग किया, वो आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे और पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, और आप भी लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाके आप इंस्टाग्राम को और फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी उधर ही लिंक है, वहाँ पे भी आप ज्वाइंट हो सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा स्प्रे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जो भी भाई अगर नहीं जानते तो आई होप कि इस वीडियो में आप उनको जानकारी मिल गई होगी, और मिल गई हो तो प्लीज़ दोस्तों, अगर नए हो तो इस चैनल में सब्सक्राइब कर दे और लाल बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को ऑल कर दे, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी पिछले वीडियो अगर नहीं देखे, ऊपर आई बटन में उसका वीडियो भेज दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो आखिर तक इस वीडियो को बने रहे और पसंद आए तो और दोस्तों में शेयर करें और लाइक कर दे। तो फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहूँगा मैं, ताकि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिलती रहे। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। और चेपे पे बंद बंद करो क्या।